दोस्तों, ये वीडियो में आज आप लोगों को मैं ये स्विच बोर्ड में इंडिकेटर लाइट को लगा के दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं मैंने ये स्विच बोर्ड में इंडिकेटर लाइट को लगाया है, ये एलईडी लाइट है। तो आप लोग भी इस वीडियो को देख के ये इंडिकेटर लाइट को आसानी से लगा सकते हो इस स्विच बोर्ड में। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में एक रेड कलर की इंडिकेटर लाइट है, तो आप लोग ये रेड कलर की इंडिकेटर लाइट भी लगा सकते हो। मैंने ग्रीन कलर की इंडिकेटर लाइट को यहाँ पर यूज़ किया हूँ। तो आप लोगों को इस वीडियो में ये इंडिकेटर लाइट को कनेक्शन करके दिखाऊंगा इस बोर्ड के अंदर में कौन कौन सा कंपोनेंट्स लगा रहते हैं इस इंडिकेटर लाइट में। सबसे पहले आप लोगों को इस बोर्ड के ऊपर में यहाँ पर एक होल कर लेना होगा इस लाइट के हिसाब से। आप लोग देख सकते हैं मैंने ऊपर में ये होल कर लिया हूँ इस लाइट को यहाँ पर लगाने के लिए। आप लोग भी अपने हिसाब से इस होल को कर लेना। आप लोग देख सकते हैं ये लाइट के हिसाब से मैंने यहाँ पर होल कर लिया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइट यहाँ पर आसानी से फिट हो जाएगा। और उसके बाद किनारे में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ग्लू भी यूज़ करना होगा इस लाइट को यहाँ पर रखने के लिए। आप लोग देख सकते हैं ये ग्रीन कलर की इंडिकेटर लाइट है। और उसके बाद और एक चीज़ की ज़रूरत होगी इस इंडिकेटर लाइट के साथ। यहाँ पर देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस है, ये 330 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। आप लोग देख सकते हैं ये रेड कलर का इंडिकेटर लाइट है। आप लोग यहाँ पर रेड कलर की इंडिकेटर लाइट भी लगा सकते हो। और उसके बाद ये जो देख रहे हैं ये छोटे वाला एलईडी लाइट, ये रेड कलर का, ये छोटे वाला एलईडी लाइट के बदले आप लोगों को ये बड़ा वाला एलईडी लाइट लगाना होगा यहाँ पर, तब ये ज़्यादा ग्लो करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस का कलर कोड देख सकते हैं आप लोग, 330 किलो ओम का। यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं दो ऑरेंज कलर का है और बीच में ये येलो कलर का और लास्ट में ये ब्राउन कलर का है। आप लोग देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस का कलर कोड। तो आप लोगों को मैंने ये रेजिस्टेंस का कलर कोड को दिखा दिया हूँ। तो आप लोग भी इस रेजिस्टेंस को लेना इस लाइट के साथ कनेक्शन करने के लिए। और उसके बाद ये जो एलईडी सर्किट है, एलईडी बल्ब का सर्किट, ये ख़राब एलईडी बल्ब का सर्किट आप लोग देख सकते हैं इस एलईडी बल्ब के अंदर में यहाँ पर लगा रहते हैं अंदर में ये ड्राइवर सर्किट। इस ड्राइवर सर्किट के एक कॉम्पोनेंट्स की ज़रूरत होगी आप लोगों को, अभी आप लोगों को दिखा दूँगा मैं। इस एलईडी लाइट की सर्किट में देख सकते हैं ये तीनों एलईडी लाइट सेम ही है लगभग। और ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर एक डायोड लगा रहते हैं, रेक्टिफायर वाला डायोड, ये देख सकते हैं यहाँ पर इस डायोड में चार लेग लगा रहते हैं। ये तीनों एलईडी लाइट की सर्किट में यहाँ पर लगा रहते हैं ये रेक्टिफायर वाला डायोड। ये डायोड एक डायोड की ज़रूरत होगी आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं ये डायोड एसी वोल्ट को डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब इस डायोड को यहाँ से खोलना होगा। खोलने के लिए सबसे पहले मैं ये प्लायर की मदद से इस सर्किट को यहाँ से तोड़ दूँगा यहाँ पर बीच से। आप लोग देख सकते हैं ये रेक्टिफायर डायोड को मैंने यहाँ से खोल लिया हूँ अच्छी तरह से। और उसके बाद इस रेक्टिफायर डायोड में यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर चार लग है। इस चारों लग में से यहाँ पर दो पॉजिटिव निगेटिव है, यहाँ पर लिखा है साफ साफ ये दोनों वाला ये एसी है। और उसके बाद यहाँ पर ये डीसी वोल्ट है, यहाँ पर डीसी वोल्ट कन्वर्ट होते हैं। ये पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा कैमरे में। और उसके बाद ये जो फ्यूज़ देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस फ्यूज़, इसको यहाँ से खोलना होगा। सबसे पहले मैं ये तार को खोल लूँगा और उसके बाद ये रेजिस्टेंस को खोल लूँगा। आप लोग वीडियो को देखते रहना, इस रेक्टिफायर डायोड को साथ इस लाइट को कनेक्शन करना होगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। और उसके बाद ये जो देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को इस लाइट के साथ कनेक्शन करना होगा। सबसे पहले मैं ये रेक्टिफायर डायोड और ये रेजिस्टेंस को चेक करूँगा मल्टीमीटर से इस चारों लेग में से, क्योंकि ये कभी कभी ख़राब भी हो जाता है, इसीलिए इसको चेक करना होगा। आप लोग देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस, ये रेक्टिफायर डायोड यहाँ पर ख़राब नहीं है, वैल्यू दिखा रहा है 1000 के आसपास, तो ये रेक्टिफायर डायोड बिल्कुल ठीक है। अगर ये रेक्टिफायर डायोड ख़राब होता तो मल्टीमीटर में फुल रीडिंग दिखाएगा। आप लोग देख सकते हैं ऐसा कम रीडिंग दिखाएगा ये रेक्टिफायर डायोड ख़राब होने पर। और उसके बाद ये रेजिस्टेंस को चेक करके दिखा देते हैं, ये 330 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। अभी आप लोगों को चेक करके दिखा देते हैं। आप लोग देख सकते हैं 330 किलो ओम का रेजिस्टेंस 328 दिखा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस भी ठीक है बिल्कुल। अब ये सारों कंपोनेंट्स को इस लाइट के साथ कनेक्शन करना होगा आप लोगों को। ये रेजिस्टेंस और ये एलईडी लाइट को कनेक्शन करना होगा। सबसे पहले इस लाइट को आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव को यहाँ पर देख सकते हैं। इस लाइट के अंदर में एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला यहाँ पर देख सकते हैं टर्मिनल। ये जो छोटा वाला देख रहे हैं ये किनारे में, इस छोटे ये छोटे वाला ये पॉजिटिव है और ये बड़ा वाला ये निगेटिव है। ये सभी लाइट में छोटे वाला है और बड़े वाले टर्मिनल लगा रहते हैं। तो छोटे वाले में यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को जोड़ूंगा, ये पॉजिटिव है छोटे वाला। अब इस छोटे वाले लेग में यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को जोड़ना होगा यहाँ पर इस पॉजिटिव में, इस लाइट का पॉजिटिव है ये। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को मैंने कनेक्शन कर दिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद इस रेजिस्टेंस को इस रेक्टिफायर डायोड के साथ कनेक्शन करना होगा।
अब इस रेक्टिफायर दैट में आप लोग ध्यान से देखना, इस रेक्टिफायर दैट में चार लेग लगा रहते हैं। इस चारों लेग में से यहाँ पर जो ये पॉजिटिव लिखा है, ये प्लस साइन देख रहे हैं आप लोग, प्लस साइन बोल, और उसके बाद ये माइनस साइन बोल, ये पॉजिटिव और निगेटिव में इस लाइट का पॉजिटिव और निगेटिव को ज्वाइन करना होगा। ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस पॉजिटिव है और उसके बाद दूसरा लेग निगेटिव है। सबसे पहले मैं ये निगेटिव को यहाँ पर ज्वाइन करूँगा इस रेक्टिफायर दैट के साथ। यहाँ पर जो माइनस निशान है रेक्टिफायर दैट का, वो ही निगेटिव है, और उसके बाद ये जो बाकी बसे हुए ये पॉजिटिव प्लस सिंबल में इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर कनेक्शन करना होगा। इस रेजिस्टेंस की लेग को थोड़ा ऐसे मोड़ देना है आप लोगों को। अब यहाँ पर शोल्डर करना होगा ये सोते वाले यहाँ पर लेग में। आप लोग देख सकते हैं दोनों तरफ मैंने ये पॉजिटिव निगेटिव को यहाँ पर शोल्डर कर दिया हूँ, और उसके बाद जो इस रेक्टिफायर दैट का ऊपर का जो दो बसे हुए लेग है वहाँ पर दो तार को शोल्डर करना होगा, कॉपर की दो तार। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये दो लेग, इस दोनों लेग में यहाँ पर पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पर दो तार की यूज़ करूँगा मैं। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये दो कॉपर का तार है, इस कॉपर की तार को इस दोनों लेग के साथ कनेक्शन करूँगा इस रेक्टिफायर दैट का पीछे का ये लेग पर। ये लेग में यहाँ पर इस तार को शोल्डर कर देते हैं, और उसके बाद ये दूसरे लेग में यहाँ पर इस तार को शोल्डर करना होगा। आप लोग इस इंडिकेटर लाइट को बनाने के लिए आप लोग दूसरा कलर का भी लाइट यूज़ कर सकते हो। मैं ये ग्रीन कलर की लाइट को यूज़ किया हूँ, आप लोग यहाँ पर रेड कलर की इंडिकेटर लाइट भी यूज़ कर सकते हो। अब इसको स्विच बोर्ड में यहाँ पर फिट करना होगा, इस स्विच बोर्ड में, इस स्विच बोर्ड की जो ये होल है, इस होल से इस लाइट को यहाँ पर अंदर डाल देना है यहाँ पर ऐसे। ये लाइट को मैंने यहाँ पर अंदर डाल दिया हो, और उसके बाद इसको यहाँ पर अच्छी तरह से फिट कर लेना है, और उसके बाद इसको कनेक्शन करना होगा। और इस लाइट के ऊपर में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ग्लू यूज़ करना होगा आप लोगों को, प्लास्टिक का ग्लू। अब यहाँ पर ये दोनों तार को यहाँ पर कनेक्शन करना होगा। कनेक्शन करने के लिए ये जो बोर्ड का ये जो मेन पावर सप्लाई का दो तार देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का, इस दोनों तार के साथ ही इस दोनों तार को कनेक्शन करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉजिटिव निगेटिव तार, फ्रेश न्यूट्रल, इस दोनों तार को यहाँ पर कनेक्शन करना होगा इस लाइट के साथ। सबसे पहले मैं इस ये सफ़ेद वाले तार को यहाँ पर कनेक्शन करूँगा, ये जो देख रहे हैं इस तार को यहाँ पर ट्रैक करके इस स्विच में इस तार को यहाँ पर लगाऊँगा। एक तार को मैंने यहाँ पर लगा दिया हो, आप लोग देख सकते हैं ये फ्रेश तार में यहाँ पर लगा दिया हो एक तार को, और ये दूसरे तार को, लाइट का दूसरे तार को, ये न्यूट्रल तार में यहाँ पर इस नट को हिला करके यहाँ पर लगाना होगा। अब मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस नट को यहाँ पर हिला करके इस तार को यहाँ पर अंदर डाल दूँगा, और उसके बाद इस स्क्रू को फिर से टाइट कर लेना है। अब मैं आप लोगों को इस लाइट को जला के दिखाऊँगा, चेक करके भी दिखाऊँगा, आप लोग वीडियो को देखते रहना। यहाँ पर देख सकते हैं सारा तार का कनेक्शन, पॉजिटिव निगेटिव ये दोनों तार का कनेक्शन आप लोग देख सकते हैं इस बोर्ड का डायग्राम। अब इस बोर्ड को फिट कर लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद आप लोगों को इस लाइट को टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, जलते हैं या नहीं जलते हैं ये लाइट। ऊपर में ये तीनों स्क्रू को यहाँ पर एक एक करके लगा देते हैं सबसे पहले, और उसके बाद ये स्क्रू को टाइट कर लेते हैं यहाँ पर। अब ये बोर्ड का जो ये मेन पावर सप्लाई का तार है, इस दोनों तार को और एक दूसरे बोर्ड में यहाँ पर पावर दूंगा मैं इस बोर्ड में। यहाँ पर ये प्लग में लगा दिया हो इस दोनों तार को, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रीन कलर का लाइट अच्छी तरह से जल रहा है, बहुत अच्छी तरह से ये लाइट ग्लो कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये लाइट। तो आप लोगों को मैंने इस लाइट को पूरा कनेक्शन करके दिखा दिया हो, और टेस्ट करके भी दिखा दिया हो। आप लोग भी इस वीडियो को देख के ये ग्रीन कलर के इंडिकेटर लाइट को आसानी से बना सकते हो घर में। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।